कहां पे गई, ये पनौड़ी कहां पे गया? अरे पनौड़ी तू कहां पे, आ जा। आजा सोनिया अरोरा, विनय भाई को भी हम इनवाइट। आजा भाई, मेरी जान है भाई, विनय भाई आ जा। तुमने बोलो मेरा घर देखा एले का? अरे मैं क्या एले ले ले देखू, मेरे यहाँ खुद ही केले लगे पड़े। मैं परेशान हुई पड़ी हूँ लोगों की गालियां सुन सुन के, सुन सुन के इतना गंदा बोल रहे हैं। डीएम पूरा भर गया मेरा तो, टैग कर करके लोगों का। तो मैं चाहती हूँ अगर कोई भी हमारी इंस्टाग्राम पे कोई हो बड़ा नेता पेता, तो वो आके हमें इंसाफ दिलाए। बहुत डिस्टर्ब हो चुकी हूँ, प्लीज एवरीवन सपोर्ट मी। हम लोगों ने आपको हमेशा सपोर्ट किया है। और वो वीडियो पता है दीपक, पॉन लाइव पे चली गई है, पॉन हब पर, बताओ अच्छा। क्या। मैंने तुम्हें कहा था वीडियो डिलीट कर दो, डिलीट कर दो, डिलीट कर दो। अरे यार, मैं खुद पुलिस कंप्लेंट कल करने वाला हूँ। पनौड़ी आओ 1 मिनट के लिए, मेरा तो हार्ट अटैक ही बढ़ गया। वन मिलियन व्यूज है, नहीं अभी तो उस पे यूट्यूब पे 1 मिलियन व्यूज नहीं है, बट ये जो भी है बहुत गलत हुआ ये वायरल। मेरे तो होश आवाज उड़े पड़े, मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकली डर के मारे। और अभी तो वो पॉर्न हब में गई, अब तुम सोचो पॉर्न हब से वो कहाँ कहाँ जाएगी वीडियो। दैट्स वेरी बैड। अगर मुझे सलमान खान फक कर रहा होता या कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी तो मैं चल जाता। मुझे अच्छा, मतलब तुम्हें दिक्कत है मुझसे? अरे दिक्कत तुमसे नहीं थी, जो दिक्कत में मैं तुम्हें मम्मी पिछसा रही थी उसमें थी। आ जा भाई, पनोड़ी भाई कॉल पे आ जा। अरे देख भाई, वो कांड पता नहीं किसने किया है। वाह, तो दीपक ने तुम्हारे साथ मजे ली है, उससे तुम्हें प्रॉब्लम है या वीडियो वायरल हुई उससे तुम्हें प्रॉब्लम है? तुम्हें प्रॉब्लम किस चीज से है? मुझे दीपक से प्रॉब्लम तो नहीं थी, मुझे दीपक की वीडियो से प्रॉब्लम थी। मैं इसको उस टाइम पे भी बोल रही थी कि दीपक मत बनाओ, उसने बोला नहीं नहीं कोई नहीं बना दे, मेरे पास रहेगी, मेरे पास सेफ रहेगी। अरे मैंने भाई, तभी वो इसको लोगों बना ने ना लिया। भाई मेरा डेटा चोरी किया भाई। अरे विनय भाई आ जाओ भाई। और बताओ पनौड़ी ये कोई क्या, मैं कितना रो रही थी तुमसे बात करके। मेरे को तो हमें तो कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा, उल्टा और लोग वो लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं। बताओ यार वीडियो तो वायरल हो चुकी है, वीडियो का तो कुछ हो नहीं सकता है, यार, लेकिन अब इसीलिए दीपक, मैं ना भाई टेंशन नहीं लेता। आ जाओ विनय भाई। मैं ना भाई इसीलिए ना भाई मैं टेंशन ही नहीं लेता हूँ भाई, कसम से भाई। मैं क्यों सोचता हूँ, देख अभी जो किया वो किया, मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि मैं पुलिस में कंप्लेन कर सकता हूँ कि मेरे साथ ऐसी दगाबाजी की है, जिन्होंने भी की है भाई। विनय इसको फिर से भाई, ये विनय भाई, आपका कैमरा ऑन। ये सोनिया को बिठा के फिर से ऐड कर, उसके उसका वो घूम गया वो अरे विनय भाई भी गिर बहनचोद। गए भाई, पता है ये सही? मैंने वो गोल्डी भाई का बटन दबाया ना भाई, ये विनय भाई गिर गए भाई, बता। सोनी आ जा भाई, ऊपर आ जा। बहनचोद पता नहीं दीपक, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, मैं नीचे गिर जाती हूँ। हाँ दीपक ये पनौड़ी गिर गया, देखो अभी पनौड़ी गिर गया भाई, ऐसा ही हो गया दीपक विनय तू भाई ले के ले, साथ। तू सुन, तू ले ले उसको, कर ले तुम बात, बात कर लो पहले। अरे नहीं, मत जा, हेलो। ओ अरे विनय भाई हाँ बैठ तू ले जरा। ले, हाँ जरूरी बात है तुम्हारी यार। पनौड़ी पनौड़ी क्या करना चाहिए मुझे बताओगे यार, मैं तो कल जाऊंगी साइबर क्राइम में ये वीडियो को दिखाने। तो हाँ चलेगा, और मैं करेंगे करेंगे हम लोग, चिंता मत कर। मैं भी जा रहा हूँ यहाँ के पुलिस स्टेशन में, मैं भी एक हाँ, एप्लीकेशन डाल दूंगा। तुम भी एक कंप्लेंट कर दो सोनिया, तुम भी कंप्लेंट कर दो। अब कंप्लेंट के तो अलावा कुछ हो नहीं सकता ना। हाँ कि भाई और हमारा लॉन्ड्रो पर्सनल डाटा। और जो ये लोग बार बार लोग टैग कर रहे हैं ना मेरे को, इन्हें नए नए लोग हैं वो, पता नहीं कहाँ से वीडियो ढूंढ ढूंढ के ला रहे हो, टैग कर रहे हैं। इनकी अम्मा भाई चोरी मेरा पूरा कर डीएम, सोनिया तू मानेगी नहीं, सुबह से मेरा पूरा ली डीएम बेंच जो तुम्हारी वीडियो से भरा पड़ा हुआ है।
जो भी डीएम खोलता हूँ तुम्हारा वीडियो, जो भी डीएम खुलता हूँ तुम दोनों का वीडियो। अच्छा विनय भाई, विनय भाई देखो आपसे मेरी बातें होती है ऑफलाइन, आप सब सच सच बताना कि मेरे को मेरी प्राइवेट वीडियो पब्लिक करना अच्छा लगता है, आप सब सच बताओ विनय विनय भाई मेरे बारे में। नहीं लगता भाई यार दीपक तुम तो चलो। अच्छा देखो हमारा 24 साल से लॉस एंजलिस में घर है, आज आपने कहा कि चलो भाई हम लाइव चलेंगे, मम्मी से हम बात कर रहे थे, मैं आपके मम्मी से बात करवा रहा था, ये 24 साल में भाई पहली बार मैंने एलए का घर दिखाया भाई, ये हमारा पहली बार दिखाया। अरे सबसे बड़ी बात यह है कि दीपक ने अपना लंड थोड़ी ना बाहर निकाला, तो मैं तो पूरे मम्मी बाहर निकाल दिए थे, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो कपड़ों में भी होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये बैंड का लोड़ा बोल रहा है, अंगूर खाते खाते बोल रहा है कि मुझे तुम्हारे चूचियां पिलाओ। जो तू ऐसे ऐसे करके मुंह में डाल रही है। अरे तो मुझे क्या पता ये वीडियो कितनी बच जाएगी, मेरे को तो पता ही नहीं था ये वीडियो कोई निकाल लेगा। मैं इसको मना भी कर रही थी उस रात की बात है, मैंने कहा दीपक मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाती, हम लोग कॉन्ट्रोवर्सी करेंगे कुछ अच्छा नया करके, ये नंगी वीडियो को थोड़ा मैं डाल के कौन, और वो भी सीधा पॉर्न हब पे पहुंच गई। बताओ पॉर्न हब जहाँ पे पॉर्न वीडियो चलती है। विनय भाई अपने को है ना भाई, देख तू मैं तू देख खुद विनय भाई देखा है कि मैं कितना सच्चा इंसान हूँ, तेरे को मैंने मम्मी से बात भी करवाई, इससे पहले भी तूने मम्मी से 6-7 बार बात की है, बट आज भाई तूने एले का भी घर देख लिया भाई मेरा है ना भाई, इतना भी झूठ नहीं रहता है भाई, थोड़ा भी झूठ नहीं रहता है मेरा। अरे लेकिन मैं मानता हूँ तू सीधा बंदा है, सोनिया मानती है सीधा बंदा है, लेकिन अब जो वीडियो देख के जो लोग मुठ मार रहे हैं उन लोगों को थोड़ी पता है तू सीधा बंदा है। वो तो है भाई, लोग मुठ मार मार के वेंचो उसको आगे भेज रहे कि भाई मैंने मान ली, मैं भेजता हूँ तू भी मान ले। अरे वो है बट भाई सबको ये तो पता चल गया कि मैं मर्द हूँ। और सबसे बढ़िया सीन तो मुझे ये लगा कि जब तू गांड के ऊपर जो चमाटे मारता है ना पीछे से, और ये सोनिया बोल रहे कि या बेबी आई एम वेरी हर्नी टुडे, चढ़ जाओ मेरे ऊपर। क्या अंत तक काट के रखा हुआ है। थोड़ी मुझे ये थोड़ी ना पता था कि ये वीडियो वायरल हो जाएगी, तो मैं ऐसी मजे कर रही थी भी इसकी वीडियो बना के। नहीं नहीं भाई कल हम लोग कंप्लेन कर देंगे। और विनय भाई मैं है ना भाई इसकी कच्ची वच्ची फाड़ता हूँ भाई, फिर टांग ऊपर करके भाई एकदम कच्ची फाड़ता हूँ भाई, दौड़ दौड़ के भाई इसकी लेता हूँ भाई पूरे कमरे में भाई, पूरे रोजिया होटल में भेजो जिसको ट्रेन बना के भाई इसकी भाई लेता हूँ भाई मैं, बहुत मस्त मस्त। अब दिक्कत नहीं रही तू लाइव पे बोल रहा है सारी चीजें। अरे भाई देख मैं मेरी ये प्राइवेट लाइफ है बराबर है, मेरी ये बीवी है जो भी मैंने किया, बट वो बंदे को तो सजा होनी चाहिए भाई जिसने है ना ये वीडियो वायरल की भाई, उसको तो सजा होनी चाहिए। एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि मैंने अपनी बीवी के साथ किया, किसी रखेल के साथ नहीं किया। अब तुम्हें सबको नहीं नहीं भाई तू रखेल नहीं है भाई, देख मैंने तुझे हमेशा बीवी का दर्जा दिया है। हाँ अब मैं तुमसे यही मांग करती हूँ कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ आज के बाद। हाँ भाई मैं ना भाई तेरी टांग में नहीं मांग में सिंदूर भर दूंगा भाई मैं तेरे, बता दीपक वारिस आने वाला है फिर तो तेरा। क्या हुआ? वारिस आने वाला तेरा वारिस। हाँ ये बात सच है भाई, अभी भाई मेरी ये जो प्रॉपर्टी है ना भाई उसमें वारिस आ जाएगा भाई। अभी तो कह रहा था ना मेरा वारिस नहीं कोई भी। और भाई ये जो भाई अपना ये घर है ना भाई, ये विनीत भाई को जरूर बताना भाई, क्योंकि विनीत भाई है ना भाई ये प्लैटिना भाई विनीत भाई ने फेमस कर दिए, तो भाई मैं कसम से कह रहा हूँ भाई सबसे पहले ये एले की वीडियो है ना भाई, आपने इसका रिकॉर्डिंग किया है ना? हाँ मेरे फोन पर बस है। हाँ तो बस वो मुझे दे देना फिर मैं थोड़ा इंस्टा पे भी लगाऊंगा। हाँ सोनिया बोल। तुम्हारी आज से मैं क्या करूं, मैं भी इसे दर्जा ले रही हूँ कि मैं इसकी बीवी बन रही हूँ बस। हाँ तो मैं बस मैं तुझे वही बोल रहा था कि भाई देख अब तुम दोनों नंगर तो हो चुके हो दुनिया के सामने, ठीक है। अब हंसने से सोनिया कोई मतलब नहीं है, तुम दोनों नंगर हो चुके हो दुनिया के सामने, तो मैं चाहता हूँ कि भाई तू वही सुन दीपक कल इसकी तू कश्मीर की टिकट करवा दे और तू इसके अपने उसके पास बुला ले भाई इसको। नहीं सुन ना हम लोग सोनिया एक काम करते हैं, हम लोग ऑनलाइन मैरिज करते हैं इंस्टाग्राम लाइव पे। अबे थोड़े मैं तुम्हारे गले में वो घेर देता हूँ, अरे मैं तुम्हारे गले में घेर देता हूँ वो हार।
सच में बनौड़ी सब मुझे बोल रहे तुम शादी कर लो, दोनों भगवान ने तुम दोनों को मिलवा दिया। सही बात है भाई। भाई दीपक अच्छा सुन जरा तेरा, हेलो सोनिया जरा तेरा लाइट चालू करना भाई, मतलब मेरा भी शादी करने का मन होगा भाई, कसम से गुलाब जामुन लग रही है, लाइट चालू कर। मैं बस यही चाहती हूँ कि बनौड़ी शादी करने वाले तुम सबको न्योता दे दो शादी का भाई। और सुन शादी करने के बाद सुहागरात मनाने के लिए विनय के पास मत जाना। अरे विनय के पास क्यों जाऊंगी मैं, स्ट्रॉबेरी मैंगो सकुरा ग्रेप पीच मैंगो एंड विनय भाई वो लोगों की आईडी मैंने आपको भेजी है जिन्होंने ये कांड किया है उनकी। हाँ भाई नंबर बोला तो नंबर दिया ही नहीं मुझे यार उनके। वन सकुरा ग्रेप ठीक है चलेगा, उसमें से एक बंदे का नंबर है मेरे पास लेकिन वो नंबर फिलहाल ब्लॉक आ रहा है भाई। तो तुम दोनों शादी कर रहे फिलहाल भाई, तुम दोनों इंस्टाग्राम पे शादी करोगे दीपक? हाँ भाई हम दोनों भाई इंस्टाग्राम में शादी करेंगे भाई, क्यों पॉर्नहब में करनी चाहिए क्या? अगर I know bro, हो सकता है तो अगर वो हो सकता है तो वो कर दे, ऐसा कुछ कर दे कि भाई ये वीडियो जो है ना शादी भाई डेट थोड़ा पीछे करके फिर शादी के बाद हमने ये किया, बट वैसे तो लीगल है भाई, मतलब अभी इंडिया में तो ये मतलब भाई बंदा रखेल तो रख सकता है भाई, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। Every time I pull up, you always I'm on live bro. Oh you on live? Oh you on live? अबे तेरी नहीं है तो ये किस तरीके से और तो? Yeah they are my fans. ये मेरे fans हैं भाई, ये न्यूयॉर्क के जय बाबा की और मेरे वीडियो मुझे बहुत प्यार करते हैं भाई. She is a porn star bro. She is Indian porn star. Oh who she? Yeah, she is A plus. Yeah she is a porn star. And this guy is... And you know me very well. You know me. You are my fan. So I don't need any introduction. And he is the grandmother. ये काले भूत का ये बिहारी कौन है, ये बिहार से आया है क्या, क्या नाम है ये बिहारी का? What is she? Yo, she looks good as fuck. She's hot, bro. She's really hot, right? Yeah, what she got? Blue green eyes? What she got? That shit is something, man. He look good. भाई ये बंदा मेरे को है ना भाई चिंटू कुलटाना का बेटा मेरे भाई शक्ल से चिंटू कुलटाना का बेटा। अरे अपने मम्मी दिखाओ ऐसा बोल रहा है ये, शी इज बिग पॉर्न स्टार इन इंडिया ब्रो। सी ये कोई फंक्शन है सोनिया, लुक लुक सोनिया लुक, ये आई बिलीव इट लुक टॉप 5 ए बस यो यू बेटर मैरी हर, शी गोना बी गॉन, यू बेटर मैरी हर। भाई ये बंदा बोल रहा है कि तुम दोनों शादी कर लो, थैंक्स ब्रो। मतलब कौन पलोड़ी और सोनिया? के वीडियो तेरी वायरल हुई इसके साथ। अरे पनोड़ी भाई तेरी बॉडी आज बहुत अच्छी लग रही है भाई, कसम से मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तेरी बॉडी, तू क्या जिम वगैरह जाता है क्या? या मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया ना ऑलमोस्ट 1 मंथ से यार, कसम से कह रहा हूँ तेरी छाती वाती है ना भाई पनोड़ी, आज भाई मैं तेरी चूची पिला दे भाई आज मेरे को। इसकी चूची तूने मुंह में तो ले ली सोनिया की। एनका लोड़ा बोल रहा है कि द्राक्ष की जगह तुम्हारी चूचिया पीला दो जान। भाई सबसे बड़ा सबसे जबरदस्त सीन वो है सोनिया ऐसे करके चूचिया मुंह में डालती है ना। वो सीन सबसे जबरदस्त। अच्छा और ये जो मैं इसको ट्रेन बनाता हूँ घोड़ी करके पूरे कमरे में दौड़ाता हूँ वो कैसा लगा? इसकी मैं रेल बनाता हूँ 9 इंच के हथियार से, वो कैसी लगी वीडियो? वो वीडियो भेजी नहीं तूने?
अरे मुझे तो नॉडी डर है कि जब मैं इसे ठुक रही थी वो वीडियो वायरल ना हो जाए। विनय तेरा नेटवर्क थोड़ा वीक कर रहा है। मैं तो बहुत टेंशन में हूँ, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। पर नॉडी आई एम वेरी टेंशन। बस तुम कुछ मत करो सोनिया, अब होगी, अब तुम्हारी होगी शादी। मैं चाहता हूँ सोनिया कि भाई तू कल सारा गेटअप तेरा शादी का गेटअप करके लाइव पे आ जाना भाई। दीपक मैं एक स्टोरी डाल देता हूँ, शादी कर लेंगे भाई, फिर है ना इंडिया में लोग इतना माइंड नहीं करेंगे। देख मैं अमेरिकन हूँ, हाँ तेरा भी बाप नेपाल से है, वॉचमन से चूदी है तू, तेरी माँ सॉरी ये भी नेपाल से है आधी। मेरा बाप अगर नेपाल से चुदा है तो तेरा बाप कहाँ से चुदा है? मैं अब नहीं, नहीं भाई कल है ना भाई, हम लोग कल अनाउंसमेंट कर दो पब्लिक को सोनिया और दीपक की शादी भाई कल रात को 11 बजे इंडिया की भाई सबसे पवित्र शादी होगी भाई। कल रात को 11 बजे इंडिया की नाइट को 11 o'clock एट नाइट टुमारो सोनिया एंड दीपक कलर दे गए सर गेटिंग मैरिड इच अदर ऑन इंस्टाग्राम लाइव। भाई सोनिया कल तू अपना अपना मैरिज का जो ड्रेसअप होता है गेटअप वो तू पहन के आ जाना। दीपक कल भाई देख मैं चाहता हूँ और यहाँ पे अपना भाई ये ड्रेस रहेगा भाई, कहते ये देख अपना ये ड्रेस रहेगा। दीपक शेरवानी पहनेगा, दीपक शेरवानी चलवा लेगा कल सुबह, ठीक है। और दीपक मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये शादी सारे मंत्र पढ़ के की जाए, तो भाई अगर कोई व्यूअर्स में से अगर कोई ये लटक रहा है ये देख भाई चलेगा दीपक कलाल ये पहनेगा भाई। शादी होने सुन, शादी होने के बाद तुझे कश्मीर जाने की टिकट और सारा स्पॉन्सर मैं करूंगा सोनिया। कल रात को, कल नहीं परसों रात को तू निकलेगी कश्मीर के लिए एंड दीपक से मिलने के लिए जाएगी और उसके बाद तुम दोनों की सुहागरात भी लाइव होगी, ये तुम दोनों प्रॉमिस करो क्योंकि हम इंस्टाग्रामर है, हम सारी चीजें लाइव पे ही करते हैं। हम लोग इंस्टाग्रामर है, हम सारी चीजें लाइव पे ही करते हैं, शादी लाइव पे, ठुकाई लाइव पे, सुहागरात लाइव पे, सारी चीजें लाइव पे होगी। तो दीपक ये जो पैदा हुआ था ना भाई, इसकी माँ ने इंस्टाग्राम चालू किया था भाई। हाँ नहीं उस टाइम पर भोसड़ी के कहाँ इंस्टाग्राम था, क्यों तुमके 200 ग्राम झड़, 200 ग्राम झाड़ के 200 मिलीग्राम झाड़ के ये पैदा हो गया था ना, वो टाइम इंस्टाग्राम नहीं था। हाँ तो भाई कल भाई लाइव पे सुहागरात होगी कि नहीं होगी, तुमने ये पाकी सावन का तो तुमने बोला था कि लाइव सुहागरात हुई होगी लेकिन वो आज तक हुई नहीं कभी, बट ये सुहागरात मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की लाइव पे हो, तो तुम दोनों इस बात से अग्रीड हो भाई? जो हमारी इमेज है वो अलग टाइप की है, मतलब मैं तो एक हरियाणवी पारिवारिक डॉन हूँ, तो ये तो रंडी है भाई, ये तो कर लेगी, मैं थोड़ी कर सकता हूँ। अब भोसड़ी के वीडियो वायरल अच्छा। तो हो गए, हाँ वो भी है। हाँ अब ट्रेलर तो सबने देख ही लिया है, अब मैं चाहता हूँ कि पूरी पिक्चर लोगों को दिखाई जाए शादी होने के बाद। फिर वो वाली वीडियो भेजती थी रूम वाली बाहर भागे वाली। पलोड़ी एक बात बता, तूने जिंदगी में बच्चों को कभी अच्छी बातें सिखाई है इंस्टा पे बता? भाई लोग यहाँ मजे लेने आते हैं भाई, मैंने इंस्टाग्राम को भाई डबल एक्स सिखाया भाई, तूने ट्रिपल एक्स तक पहुंचा दिया भाई इंस्टाग्राम को। भाई हमारी पुरानी लाइव तू देख लेना जहाँ पे मैं सेक्स नॉलेज देता था लोगों को लिटरली डॉल दिखा के। मैंने भी बड़ी नॉलेज दी है लोगों को ना, टांगे उठा के कैसे लिया जाता है, कैसे मुंह में दिया जाता है, सिखाया भाई।